अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आई एम केमिस्ट। दिस इज़ इमरान और आज की जो वीडियो दैट इज़ अबाउट नर्म्स एंट्री टेस्ट जो एमडी कैट 2023 कंडक्ट होने जा रहे हैं नर्म्स का, उसकी रजिस्ट्रेशन की जो डेट है और उसके अनाउंसमेंट कर दी गई है और उसके अलावा उसका जो पैटर्न है वो आपके साथ मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला। इससे पहले की वीडियो के अंदर आपको मैंने बताया कि जो लास्ट डेट है दैट इज़ 24 जुलाई, ठीक है, 24 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है वो ओपन होगा, आप तब तक अप्लाई कर सकते हैं विद अ नॉर्मल फीस। 3 जुलाई से 24 जुलाई तक आप नॉर्मल जो है तो अप्लाई कर सकते हैं नॉर्मल फ़ी के साथ फॉर द नर्म्स। और उसके अलावा आपके पास एक सेकेंड ऑप्शन भी होगी कि अगर आप डबल फीस के साथ अप्लाई करते हैं तो आप 4 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर द नर्म्स एमडी कैट। अब पैटर्न की अगर हम बात करते हैं, दिस वीडियो इज़ एक्चुअली अबाउट द पैटर्न ऑफ एमडी कैट नर्म्स 2023। बाकी की जो वीडियोज़ हैं वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको सारे के सारे लिंक्स मिल जाएंगे कि आप कैसे जो है तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, कैसे चालान फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे अपनी फ़ीस डिपॉजिट करानी है, इसके अलावा आप नर्म्स का जो सिलेबस है वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो पैटर्न जो है इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक ए है और एक हमारे पास पार्ट बी है। पार्ट ए के अंदर हमारे पास क्या है, दैट इज़ 95% वेटेज होगी इसकी। इसके अंदर हमारे पास है 151 बेस्ट ऑप्शन टाइप एमसीक्यूज क्वेश्चंस, ठीक है। एमसीक्यूज होंगे कितने, 150 एमसीक्यूज होंगे विद स्टेपुलेटेड टाइम्स ऑफ 150 मिनट्स विद द फॉलोइंग ब्रेकडाउन। अब इसके अंदर जो टोटल टाइम होगा वो कितने होंगे, 150 मिनट्स होंगे। मतलब कि आपके पास अगर 150 एमसीक्यूज हैं तो उसमें हर एमसीक्यू के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मिनट जो है वो दिया जाएगा। आपने एक मिनट के अंदर सोचना भी है और फिर वो जो एमसीक्यूज हैं उनको मार्क भी करना है, जो सर्कल है उनको फिल करना होगा। सो उसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी की, सो उसके 35% एमसीक्यूज होंगे। अच्छा, इसके बाद जो एमसीक्यूज हैं दैट इज़ ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के जो 25% एमसीक्यूज होंगे। उसके बाद फिजिक्स जो है उसके 25% एमसीक्यूज होंगे। और उसके बाद इंग्लिश जो है वो सबसे कम है, दैट इज़ 10%। तो मतलब जो बायो है उसका पोर्शन सबसे ज़्यादा होगा 35%, तो आपने बायो के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि इसमें आप ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। उससे जो टफ़ सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री है और फिर केमिस्ट्री से भी टफ़ जो है वो फिज़िक्स है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर मतलब ज़्यादा आपका आपको उबूर हासिल है या आप उसके अंदर ज़्यादा अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश जो है वो सबसे लेस है 10%। उसके बाद पार्ट बी की अगर हम बात करते हैं तो वो 5% है। मतलब जो 95% है वो पार्ट ए है जिसके अंदर आप के ये जो सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज होंगे। अब 5% जो है वो क्या होंगे, दैट वुड बी साइकोलॉजिकल टेस्ट। नंबर ए शेल कंसिस्ट ऑफ 101 बेस्ट टाइप एमसीक्यूज विद स्टेबिलिटी टाइम्स ऑफ 30 मिनट्स। मतलब कि आपने 30 मिनट्स के अंदर आपको 100 एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करने होंगे। देयर शेल बी नो नेगेटिव मार्किंग। अब इसमें अच्छी बात यह है कि आपने करना क्या है कि जो भी आपके पास टाइम है उस टाइम के अंदर आपने सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर देने हैं, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होगी। सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं होगी, आपने कोई भी ब्लैंक नहीं छोड़ना। अदरवाइज़ हो सकता है कि आपका अगर आप तुक्के लगाते हैं तो आपको कोई 1-2 मार्क्स तो आ ही जाएँ। आपको पता है कि जो आपका फाइनल मेरिट बनता है तो आपको आधे नंबर से भी अल्लाह ना करे आप रह सकते हैं। सो आपने सारे के सारे जो है फिल कर देने हैं। Additional details and guidelines regarding filling of answer sheets will be available at the NUMS official website. आपने filling कैसे करनी है answer sheets के about, वो हम already आपके साथ video share कर चुके हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं syllabus की, तो syllabus क्या है कि exam is competitive for which the syllabus will be available on NUMS website. अब ये चूँकि competitive exam है, आपने in future doctors बनना है तो एक competitive exam है, तो इसका जो वो ऑफिशियल इन्होंने जो इसका एमडी कैट का सिलेबस दिया हुआ है वो नम्स के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू हैव अ ब्रॉड बेस स्टडी एंड नॉट रिस्ट्रिक्टेड देमसेल्व्स टू लिमिटेड सिलेबस ओनली। अब कहते हैं कि ये चूंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो इसके लिए आपने करना क्या है कि आपने ब्रॉड लेवल के ऊपर आके स्टडी करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट अपनी बुक्स उठा ली, उनको देख लिया, बस आपकी तैयारी जो है वो 100% हो गई। तो आपने एडिशनल जो है जो इंडियंस ऑथर्स हैं उनकी बुक्स को देखना है, उनके एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस को आपने देखना होता है। इसके अलावा मेरे चैनल के ऊपर आपको बहुत सारी वीडियोस बनेंगी मिलेंगी जो कि हम लोगों ने एमसीक्यूज बेस्ड बनाई हुई है, तो आप वो भी देख सकते हैं। अब इसका सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है, आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ से आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अप्लाई करने का तरीका भी कैसे करना है तो वो भी आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके अलावा कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मैंशन कर सकते हैं।